1826 किलोमीटर का फासला तय करके नई दिल्ली से भुवनेश्वर एसी स्पेशल जब पहुंची तो वहां खास इंतजाम किए गए थे। जो भी व्यक्ति ट्रेन से आए थे उनके लिए हम कह सकते हैं खास तरीके का पायदान रखा गया, जिसमें सोडियम क्लोराइड का सल्यूशन पड़ा हुआ था, यानी उनको डिसइंफेक्ट करने की पूरी कवायद यहाँ पर की गई। स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं और बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन किया जा रहा है और उसके लिए बाकायदा मार्किंग की हुई है। हर एक व्यक्ति के लिए उड़ीसा पहुंचने पर ये जरूरी है कि वहां पर जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको पूरी तरीके से पालन किया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग एक एक करके नीचे उतर रहे हैं और उनको गाइड किया जा रहा है कि किस तरीके से आप आगे जाएं, क्योंकि जो हेल्थ चेकअप डेस्क बनाई गई है वहाँ पर अपना हेल्थ चेकअप कराना ज़रूरी है और उसके लिए पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। और जब भी आप स्टेशन पर पहुँचेंगे उड़ीसा में तो वहाँ पर बाहर आपको बसें लगी हुई मिलेंगी। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से तापमान चेक किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जिस व्यक्ति पर भी उन्हें डाउट होता है उसके लिए अलग से इंतजाम किए जाएंगे। यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। भुवनेश्वर जब ये ट्रेन पहुँची तो वहाँ पर रेलवे ने पहले से ही सारा इंतजाम कर रखा था, स्थानीय प्रशासन के लोग भी वहाँ पर मौजूद रहे और इसी तरीके की व्यवस्था हर बार की जानी है। जो भी ट्रेन भुवनेश्वर पहुँचेगी वहाँ इसी तरीके का इंतजाम है। लोगों से कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए और जितने भी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं सबने मास्क लगा रखा है और इन ट्रेनों में सफ़र करने वाले सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपना मुंह ढक कर रखें। और यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हेल्प डेस्क बनाई गई है हेल्थ चेकअप के लिए वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, एक एक व्यक्ति का एड्रेस नोट किया जाता है और उनसे बातचीत की जाती है, साथ ही साथ उनके बारे में जानकारी हासिल की जाती है और इसके अलावा उनका तापमान भी चेक किया जाता है और पूरी मदद की जाती है। अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है तो उसके लिए भी हेल्प डेस्क बनाई गई है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में यहाँ पर जो भी यात्री बाहर से पहुँचते हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो 28 दिन के क्वारंटाइन में रहें। 28 दिन का क्वारंटाइन, जिसमें सरकार ने 21 दिन का क्वारंटाइन मैंडेटरी किया हुआ है। अगर वहाँ का जो प्रशासन है परमिशन देता है तो 7 दिन का क्वारंटाइन आप अपने घर पर कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो भी व्यक्ति एसी स्पेशल से सफ़र कर रहे हैं वो इस बात को समझें कि जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपके हाथ पर मुहर लगा दी जाएगी क्वारंटाइन की और आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी वहाँ के इंतज़ाम हैं हेल्थ कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर आपको क्वारंटाइन रहना है। ग्राम पंचायत को भी निर्देश है और इसी तरीके से तमाम निर्देश दिए गए हैं। उड़ीसा सरकार ने पूरी कोशिश की है कि कोरोना वायरस संक्रमण फैले ना, इसलिए इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो लोग क्वारंटाइन में रहेंगे उनके लिए भी एक व्यवस्था है कि उनको 10 दिनों का काम भी दिया जा सकता है, यानी वो खाना बनाने में मदद करें या दूसरे कामों में मदद करें तो वहाँ की सरकार 150 रुपये पर डे के हिसाब से 1500 रुपये का योगदान देगी। यानी आप क्वारंटाइन में रहेंगे और पैसा भी कमाएंगे, साथ ही साथ अपने प्रदेश को भी सुरक्षित रखेंगे। जो भी लोग बाहर जा रहे हैं उनके सामान को भी डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर ये सारी व्यवस्था की गई।